हाई गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ नागिन सीरियल। जी हाँ, एकता कपूर का एक ऐसा सीरियल है जो लोग बहुत ज़्यादा चाव से देखना पसंद करते हैं, बट इसमें ऐसा वैम के कैरेक्टर में भी बहुत सारे ऐसी हसीनाएं आई जो लोगों का दिल जीत ली। तो आइए एक नज़र डालते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ नागिन के सफर पर। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ नीता हसन अंदानी। जी हाँ, इनका ना स्टार्टिंग में काफ़ी एक अच्छा एक रोल था, बट लास्ट में वो वैम बन गई। बट इनका वैम का कैरेक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। सेकेंड नंबर में है अदा खान। जी हाँ, ये भी स्टार्टिंग में अच्छी थी, बट एंड तक जाते जाते ये भी वैम बन गए और इनका भी लोगों ने काफी हद तक ज्यादा अप्रिशिएट किया इनके एक्टिंग स्किल को। थर्ड में है करिश्मा तन्ना। जी हाँ, ये एक काफी हद तक अच्छा हीरोइन के कैरेक्टर में नजर आई थी। एंड देन उसके बाद इनका एक कॉम्बिनेशन हो गया सुरभि ज्योति के साथ, एंड इन दोनों को एक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया था नागिन के अंदर। फोर्थ में है रिया शर्मा। जी हाँ, नागिन में इनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा ही छोटा था, बट जिसकी वजह से इनका लोगों को एक्टिंग समझ में आया नहीं, बट लोगों ने पसंद किया जितना भी दिखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बशीर ढोलकिया। जी हाँ, कोमलिका से इनको कौन नहीं जानता। वैम के कैरेक्टर में इनसे ज्यादा बेटर कोई बैठ ही नहीं सकता, और नागिन में भी इनका वैम का कैरेक्टर लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आया था। सो गाइस, इन सब वैम में से आपका फेवरेट वैम कौन है मुझे कॉमेंट डाउन करके अपनी राय जरूर शेयर करें। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।